सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल भारती मोबाइल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले पाने के। गाइस अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें आपको सैमसंग का जो ये स्पीकर है काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। स्कूप डिज़ाइन में ये दिया गया है, वायरलेस स्पीकर है। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पीछे दोस्तों कुछ हाइलाइट्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पीकर है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो है 2200 रुपये में आपको ये स्पीकर मिल जाएगा। तो चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरह का ये स्पीकर है। तो ये देखिए दोस्तों मैं इसे करता हूँ साइड पे, पहले एक्सेसरीज देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें आपको मिलने वाला है स्पीकर के साथ में। फिलहाल यहाँ पे कुछ खास आपको नहीं मिलने वाला है, कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है जो स्पीकर के साथ में एक्सेसरीज है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल क्विक गाइडेंस बुक दी गई है जो काफ़ी बड़ी है और इसके साथ में यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी केबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसे करते हैं साइड पे और स्पीकर की तरफ चलते हैं क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। जो लुक और डिज़ाइन दिया गया है काफ़ी अच्छा लुक और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, ब्राउन और वाइट में कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इनबिल्ट, तो ओवरव्यू की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं जैसे कि वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ पे प्ले का ब्लूटूथ का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइड पे माइक दिया गया है। इस तरफ जाते हैं तो हमें आपको यहाँ पे आपको ऑक्स और यूएसबी का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। पावर ऑन करने के लिए बटन साथ में यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे बटन एक दिया गया है जो कि पावर ऑन के लिए है। यहाँ पे एक स्ट्रिप दी गई है, आप अच्छे से इसे कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा, वोल्टेज देखने को मिल जाएगी, सैमसंग लिखा हुआ है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्पीकर काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर इसे के फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्पेशल जो फीचर्स मिलने वाले हैं इस फ़ोन से, इस स्पीकर से आप कॉल को रिसीव कर पाएंगे क्योंकि इसमें स्पीकर माइक दिया गया है, तो आप कॉल को कर भी पाएंगे, यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे, म्यूट कर पाएंगे, रिजेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बिल्ट इन माइक है तो आप अच्छे से इससे कॉल कर सकते हैं, आपको अपना फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप कॉल रिसीव कर पाएंगे, आप कॉल उठा सकते हैं इस बटन को प्रेस करके, आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं बटन को प्रेस करके, आप इसी से जो करना चाहें कर सकते हैं, मतलब कि जब आपकी कॉल आ रही हो। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी जो मिलती है वो ब्लूटूथ और ऑक्स यहाँ पे मिल जाती है, आपको ऑक्स भी मिल जाती है इसमें। और इसकी जो बैटरी बैकअप है, अगर आप प्ले करते हैं या टॉक करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं या म्यूज़िक को प्ले करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो बैटरी है वो आपकी 9 घंटे तक आपकी आराम से निकालेगी, लेकिन जो मैंने यूज़ किया है ये 7 घंटे तक आराम से निकालती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आवाज़ कम हो जाती है। तो उसके बाद अगर इसके स्पीकर की बात करूं तो यहाँ पे 360 काफ़ी अच्छी आवाज़ है स्पीकर की। तो चलिए मैं कुछ प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। गाइस स्पीकर काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, फीचर्स हैं जो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों जो मेन मुद्दा है वो है प्राइस का, जो इसका प्राइस है, इस प्राइस में काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्पीकर और भी मार्केट में मिल जाते हैं। तो मेरे पास ये मैंने लिया था तो मैं आपको दिखाना चाहता था तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर इसके बात करूँ लेने की, आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो उसके बारे में मैं कहूँगा कि आपको मार्केट में काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं जो वाटरप्रूफ हैं, फ़िलहाल ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो वाटरप्रूफ स्पीकर इस रेंज में काफ़ी अच्छे अच्छे स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको वो लेने चाहिए, इसके ऊपर आपको अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। तो गाइस मेरा मानना ये है कि इस स्पीकर के ऊपर इतने ज़्यादा आप पैसे ना बर्बाद करें, आप और स्पीकर ट्राई करें, काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसे ऑन करके नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, बेटर है, स्पीकर काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो प्राइस का है। लेकिन मैं नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि कॉपीराइट का स्ट्राइक है जो वो काफ़ी आ जाता है, तो इसलिए मैं ये नहीं दिखाने वाला हूँ आपको ऑन करके।